नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अनिल जी। प्रकरण क्रमांक 10 में आपने बताया था कि महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती व माद्री के साथ शिकार करने के लिए वन में चले गए थे। जब वे वन में शिकार का आनंद ले रहे थे तो कोई विशेष घटना घटी वहाँ पे? हाँ, एक बहुत ही विशेष घटना कहें, दुर्घटना कहें जी। एक बार की बात है कि महाराज पांडु एक ऐसे वन में थे जो बहुत घना वन था। उसमें बहुत हिरण थे, बहुत सांप थे, बहुत हर तरह के जानवर थे जी। उसमें वो जा रहे थे, अपना शिकार के लिए देख रहे थे कि किसको मैं अपना शिकार बनाऊं जी। तो उन्हें एक दिखा कि एक बहुत स्वस्थ, जैसे एक मृगों का भी एक होता है ना कि एक पूरे दल का नेता होगा, वो यूथपति है जी। ऐसा एक अच्छा मृग, एक मृगी के साथ वो मैथुन कर रहा है। वो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे वाह, ये दो को एक साथ मारने का मुझे मौका मिल रहा है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष निकाला, उस पर एक साथ 5 बाण लगाए जो कि बहुत तेज, उसमें पंख लगे हुए ऐसे बाण थे जो कि तुरंत जाए, और उस उन 5 बाणों को एक साथ उन्होंने उस जोड़े पे, मृग और मृगी जो अपने आनंद में डूबा था, उस पे जोड़े पे छोड़ दी। ये बाण गए और एक साथ मृग और मृगी दोनों को जी नीचे गिरा दिया। अब जब गिरा दिया तो वास्तव में वो मृग जो थे वो एक बहुत तपस्वी, महातेजस्वी, तपोधन से बहुत जिसे कहें समृद्ध ऋषि पुत्र मुनि थे, और जो कि मृग का रूप धारण करके संभोग करते थे। अब वो वैसे के वैसे मृग जो हैं मृगी के साथ सटे हुए पृथ्वी पर गिर गए, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई, और गिरने के बाद वे मृग रूपी मुनि मनुष्य स्वर में महाराज पांडु से कहने लगे, हे भारत, तुम तो अच्छे कुल के हो, ऐसे कुल के हो जिसमें सब लोग धर्म में मन लगाते हैं, ऐसे कुल में जन्म होने के बाद भी तुम काम और लोभ के वशीभूत आकर ऐसा कर्म कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कैसे हो गई, तुम्हारा ऐसा कैसे व्यवहार है। इस तरह उसको विलाप करने लगे, उसे कोसने लगे। बड़ी एक विचित्र स्थिति थी कि मृग जो है राजा को कोस रहा है, उलाहना दे रहा है, भला बुरा कह रहा है। अब जब मृग ने इस तरह से उलाहना दी महाराज पांडु को, तो उन्होंने फिर मृग को क्या उत्तर दिया, क्या कहा? एक मृग कैसे विद्वान राजा को जी, ऐसे पराक्रमी राजा को ऐसे उलाना दे रहा है और धर्म का उल्लेख कर रहा है। तो महाराज पांडु ने उसे उत्तर दिया, और उत्तर जो था बड़ा एक वैसे तो तर्कसंगत था, क्योंकि हमारे यहाँ शिकार का कोई ये नहीं कि शिकार नहीं करना है जी,
और क्षत्रिय जो हैं, राजा जो हैं, वो शिकार करते हैं। तो महाराज पांडु ने उस मृग से कहा कि जैसे राजाओं के लिए ये वृत्ति है, उनकी ये प्रकृति मानी गई है कि वे शत्रुओं का वध करते हैं जी, वैसे ही कहा गया है कि उन्हें मृगों का भी वध करना चाहिए, ये उनकी वृत्ति है। इसमें कहीं कोई गलत नहीं कहा है जी। और तुम्हें इसके लिए मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए मृग का शिकार करना बिल्कुल उचित है, यही मेरा धर्म है। फिर तुम बिना धर्म को समझे मेरी निंदा कर रहे हो। बड़े बड़े महर्षियों ने शिकार यानी मृगिया बोलते हैं जी, मृगिया की है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि महर्षि अगस्त ने भी शिकार किया था। तो देखिए, एक बात यहां समझने की बात है, एक हिंदू धर्म की ये सदा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जैसे अहिंसा की बात होती है और सब शाकाहारी होते हैं जी, नहीं, यहां महाराज पांडु उस मृग से कह रहे हैं कि मृग का वध करना ये हमारे लिए अभीष्ट है, उचित है, धर्म है। तुम धर्म को समझते नहीं हो, बिना समझे और मोह में पड़कर गलत बात कर रहे हो तुम जी। और मैं जो कह रहा हूं वो प्रमाण सिद्ध धर्म के आधार पर कह रहा हूं, मेरा जो व्यवहार है वो भी प्रमाण सिद्ध धर्म के आधार पर है। और मेरे इन सब कारणों से मेरा तुम्हारा वध करना बिल्कुल उचित है और तुम्हें इसलिए मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये जो तुम मेरी निंदा कर रहे हो ये ठीक नहीं है, मैंने जो वध किया ठीक किया है जी। अब महाराज पांडु ने जो इस प्रकार तर्क दिया तो मृग रूपी मुनि ने फिर क्या कहा उनसे? मृग रूपी मुनि ने महाराज पांडु से कहा कि ये तुम्हारी बात सही है जी, कि तुम यदि शिकार करने आए हो ठीक बात है, और राजा मृग को मारते हैं ये भी ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है जी। तुमने मेरा वध किया इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति केवल इस बात की है जी। मुझे केवल इतना ही कहना है कि जब मैं मैथुन कार्य में लगा था, अपनी पत्नी के साथ आनंद में डूबा था, तब तुम्हें थोड़ा दया भाव रखना चाहिए था, ऐसा क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए था, प्रतीक्षा करते। मैं जब उस कर्म से निवृत्त हो जाता तब तुम मारते तो मैं तुम्हारी आलोचना नहीं करता। देखिए यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जी मुनि ने कि जीवन में हम जो भी हमारा धर्म है, जो कर्तव्य है, हमें उसको बिना कठोरता के, बिना क्रूरता के जितना आवश्यक हो उतना ही करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, मुझे यदि एक बच्चे को, अपना बालक है, मेरा बेटा है, बेटी है, पोता है कोई है, वो कुछ गलती करता है जी, और मुझे उसको समझाने के लिए थोड़ी सी चपत लगाने की आवश्यकता है, तो क्या ये सही है या गलत है? तो चपत लगाना तो सही है जी, लेकिन क्रूरता से नहीं, कठोरता से नहीं, प्रेम भाव से। तो ये जो एक बारीक अंतर समझाया है मुनि ने जी, कि मृग का शिकार करना तो उचित है जी, लेकिन इतना तो दया रखो कि वह एक आनंद में डूबा है और आप उस समय उसकी हत्या कर रहे हैं, ये गलत है। तो ये यहां पर मुनि ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई और कहा कि ऐसा कार्य जो समस्त भूतों के लिए, प्रकृति के लिए हितकारी है, देखिए प्रकृति जो है इस कार्य के बिना चल नहीं सकती जी,
ये समस्त भूतों के लिए प्रकृति के लिए हितकारी माना गया है। ऐसे कार्य को करते हुए मृग को कौन विवेकशील पुरुष मारना चाहे? तुम जो मार रहे हो तुम्हें विवेक नहीं है क्या? इतना विवेक नहीं था कि थोड़ा देर प्रतीक्षा कर लेते? अब देखिए, बात किस बात के लिए डांट रहे हैं? इस बात के लिए नहीं कि तुमने मुझे मार दिया, वो मारना ठीक था जी, लेकिन थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते उसके बाद करते। मैं एक कार्य में लगा था, तुमने उसे निष्फल कर दिया, मेरी आनंद की अनुभूति को तुमने बिगाड़ा है। यह कर्म क्रूर कर्म है, यह कर्म तुम जैसे विद्वान जी, ज्ञानवान और तुम्हारे जैसे उच्च कुल के व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल अनुरूप नहीं है। यह कार्य हर तरह से अत्यंत निंदनीय है, नरक प्रदान करने वाला है, हर प्रकार से ये स्वर्ग की यश की हानि पहुंचाने वाला महान गलत कृत्य किया तुमने। अब ये उसको डांटे जा रहे हैं जी जी। तुमने शास्त्रीय धर्म एवं अर्थ को जानते हुए ऐसा नरक प्रदान करने वाला पापकारी कार्य किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जी। अब फिर उसको समझाते भी हैं जी, मुनि देखिए कितनी पीड़ा में है, अंतिम सांसें ले रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका धर्म का ज्ञान पूरा है। वे समझा रहे हैं कि राजा के रूप में तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम्हारा कर्तव्य है कि जो पापाचारी मनुष्य हैं उनको दंडित करो जी। वो तो तुम कर नहीं रहे जी, जो तुम्हारा मुख्य कार्य है जी जी, वो नहीं कर रहे हो तुम अपने, तुम्हें आनंद आता है शिकार करने में, उसमें डूबे हो जी, अपना कर्म नहीं कर रहे जी। और जो उस कर्म करते हुए भी, यहां तक कि देखिए राजा का कार्य होता है दंड देना जी, उसमें भी दंड देते हुए भी राजा को कहा जाता है कि क्रूरता नहीं करनी है। यदि किसी व्यक्ति का को सजा दी जानी है जी, तो दीजिए, लेकिन यथा योग्य यथा आवश्यक उतनी दीजिए। मुनि कहते हैं कि तुम ऐसा क्रूरता पूर्ण कृत्य कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? किस बात का मुझे तुमने दंड दिया है? मैं तो फल मूल इत्यादि खाकर निर्वाह करने वाला एक मुनि हूं जी, और मृग का रूप धारण करके इन जंगलों में घूमता रहता हूं, और तुमने मुझ निरपराध को मार के क्या कर्तव्य किया है, क्या काम किया, क्या तुम्हें लाभ मिलेगा? इस तरह उन्होंने खूब डांटा, समझाया कि कैसे गलती की है महाराज पांडव ने जी। ये कठोर वचन बोलने के बाद जब ऐसे हमने देखा है, सुना है, जब कोई मुनि नाराज हो जाता है तो वो कुछ दंड देता है, तो उन्होंने महाराज पांडु को भी कुछ दंड दिया क्या? बिल्कुल दंड दिया, पहले तो पूरा समझा लिया और फिर अपने दंड देने के लिए, श्राप देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुमने काम से मोहित होकर, काम से यानी महाराज पांडु किस काम से मोहित हैं? उनकी इच्छा है कि मुझे शिकार में आनंद आता है जी जी, वो कोई धर्म का कार्य नहीं कर रहे थे जी। एक काम था, लोभ आ गया कि मुझे दो पशु एक साथ मिल जाएंगे, मृग भी मिल जाएगा, मृगी भी मिल जाएगा जी। तो तुमने काम से मोहित होकर उसके अधीन आकर एक मैथुन रथ, दो स्त्री पुरुषों को निष्ठुरतापूर्वक वध किया, बिना किसी दया के, बिना किसी एक करुणा भाव के तुमने ऐसा वध किया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और इसका दंड ये है कि जब तुम इसी प्रकार मैथुन में आसक्त होगे तो उस क्षण में जीवन का अंत करने वाले मृत्यु तुम पर आक्रमण करेगी और तुम्हारे जीवन का अंत कर देगी। अब मुनि ने अपना परिचय दिया, देखो श्राप दे रहे हैं तो परिचय भी दे दें कि किस मुनि ने दिया है जी। तो बोले मेरा नाम किंदम है,
मैं सदा तपस्या में लगा रहने वाला मुनि हूँ, मैं मृग रूप धारण करके अपनी मृगी के साथ मैथुन कर रहा था, तुमने ऐसे में मारा है, तुमने एक मुनि को मारा है लेकिन तुम्हें मालूम नहीं था, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हें जानकारी नहीं थी जी। लेकिन तुमने जो मैथुन रथ दो चाहे मृगों को चाहे स्त्री पुरुष को मारा है उसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, जैसी क्रूरता तुमने की है, जैसा कृत्य किया है जी। तो तुम्हारे को तुम्हारे कर्म का वैसा ही फल मिलेगा। जिस क्षण तुम काम भावना से मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे, तब जैसे मैं यमलोक को सुधार रहा हूं ठीक वैसे ही तुम भी यमलोक को सुधार जाओगे, और अंतकाल आने पर जिस अपनी प्यारी पत्नी के साथ तुम समागम करोगे वह पत्नी भी बहुत भक्ति भाव से तुम्हारा अनुसरण करते हुए उसी क्षण तुम उसी के बाद तुम्हारे साथ साथ यमलोक को प्रस्थान करेगी। मैं सुख में मग्न था और तुमने मुझे दुख दिया जी। ठीक इसी प्रकार तुम भी जब अपनी पत्नी के साथ संयोग सुख का अनुभव करोगे तो तुम दुख में डूब जाओगे। कैसा श्राप, भयंकर श्राप मुनि ने महाराज को दिया, और देने के बाद जी मुनि दुख में डूब रहे थे, धीरे धीरे उनके प्राण चेतना शून्य हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए जी। उनका देहांत हुआ, साथ साथ महाराज पांडु भी दुख से एकदम आतुर हो गए। उनको इतना भयंकर श्राप मिला था जी, उनके साथ साथ दो दो पत्नियां थी, बिल्कुल युवा थी, वे स्वयं भी युवा थी जी, अभी विवाह को बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ था जी, और ऐसा श्राप, कोई संतान भी नहीं थी और ऐसा श्राप, बिल्कुल दुख में डूब गए जी। अनिल जी, ये तो बहुत कठोर श्राप दिया। अब इन्होंने ये बात तो अपनी दोनों पत्नियों को भी बताई होगी, और उनके महाराज पांडु के मन में क्या विचार चल रहा था, क्या सोच रहे थे वो? कि मैंने जैसे कहा, भयंकर दुख जी, परेशानी, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ताकि पत्नियों को बताया भी जी, और विलाप भी कर रहे थे। उन्हें अब यह अनुभव हो रहा था, महसूस हो रहा था कि मैंने क्या गलती की। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष भी, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड वाले लोग जिसे कहते हैं आजकल, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, ऐसे लोग भी काम के फंदे में फंस जाते हैं। काम मतलब केवल इसे यौन संबंधों वाला काम ना समझे, जो अपनी शौक होते हैं पूरा करना, जो इच्छाएं होती हैं, मेरा ये पैशन है, मेरा ये मजा करने का, मेरा एक जिसमें आनंद आए वो इसमें डूबे रहते हैं। मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है जी, मुझे इस करने में बहुत मजा आता है, चाहे शिकार करने में, चाहे रोड ट्रिप करने में, किसी भी तरह का मजा आता है। तो इस तरह के जब काम में डूब जाते हैं तो विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म कर बैठते हैं। फिर उन्हें याद आया कि मेरे पिताजी जी विचित्र वीर भी, उनका दो पत्नियों से विवाह हुआ, अत्यधिक काम भोग में डूब गए, आसक्त हो गए और अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मैं भी देखो कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ जी, मुझे राजकार्य संभालना चाहिए था जी, राजधर्म को छोड़कर अपने जो राजधर्म है, जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा दायित्व है जी, उसको त्याग कर अपने शिकार के शौक के लिए हर वन वन में दौड़ता फिर रहा हूं जी, क्योंकि मैंने अपना धर्म त्याग दिया है अपने शौक के लिए, काम पूर्ति के लिए जी, तो देवताओं ने भी मुझे त्याग दिया है।
जो धर्म के लिए करता रहता है तो देवता उसका ध्यान रखते हैं जी, उसे अच्छी बुद्धि देते हैं। देवताओं ने मुझे त्याग दिया इसलिए मेरी बुद्धि भी नीच हो गई और इसीलिए मैंने ऐसा गलत कार्य कर दिया। ये मान रहे थे कि हमसे गलत हुई जी, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी लेकिन हो गई थी। फिर अपनी दोनों पत्नियों को कहा जी कि देखो मेरी तो ये स्थिति हो गई है जी, अब कुंती और माद्री तुम दोनों हस्तिनापुर लौट जाओ जी, मेरे साथ मत रहो। वहां माता अंबिका, अंबालिका, भाई विदुर, भाई धृतराष्ट्र, चाचा भीष्म, दादी सत्यवती, ब्राह्मण, वृद्ध सबको प्रसन्न करो जी, ऐसा अपना व्यवहार रखना कि सब लोग तुमसे प्रसन्न रहे। ऐसे करके तुम जाओ, मैं आज से सन्यासी का जीवन व्यतीत करूंगा, मैं भोग विलास का जीवन त्याग रहा हूं जी, और अब मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूंगा, मेरा तुम्हारे साथ दोनों पत्नियों के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, इसलिए तुम लोग हस्तिनापुर तुरंत लौट जाओ। ऐसा करके उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को कहा जी। ये इस प्रकार की बातें सुनने के बाद फिर उनकी जो पत्नियां थी कुंती और माद्री, उन्होंने क्या उत्तर दिया? कुंती और माद्री दोनों बहुत पतिव्रता पत्नियां थी, बहुत धर्म के मार्ग पे चलने वाली थी जी। दोनों ने कहा कि आप ये जो बात कह रहे हैं ये हमें नहीं समझ में आ रही, सन्यास के अतिरिक्त भी तो कोई मार्ग संभव है, सन्यास लेने की क्या आवश्यकता है, आप को तपस्या करनी है जी करिए, हम आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे और हम दोनों काम सुख का पूरी तरह परित्याग कर देंगे, अपनी इंद्रियों को संयम में रखेंगे, क्योंकि समस्या तो केवल वही है कि हमें जो संभोग का सुख है वो नहीं लेना है क्योंकि उसमें आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, हम पूरी तरह उस सुख का त्याग कर देंगे, अपनी इंद्रियों को वश में रखेंगे, और यदि आपकी हमारी बात नहीं मानते हैं और हमारा त्याग करते हैं जी, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, हम आगे जीवित नहीं रहना चाहते आपके बिना, आपको इस विषय में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, यदि आपने हमें छोड़ा तो हम अपने प्राण त्याग देंगे जी। अब इन्होंने पूरी जोर से कह दिया कि हमें तो आपके साथ ही रहना है जी, ठीक है हमें काम सुख त्यागना पड़ेगा वो हम त्याग देंगे जी। अब इस तरह की बातें सुनने के बाद महाराज पांडू का कुछ हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने क्या निर्णय लिया? महाराज पांडू ने कहा ठीक है यदि ऐसी बात है जी ठीक है, लेकिन अब मैं वन में रहकर भोग विलास के सुख का आनंद नहीं लूंगा, मैं सारे भोग विलास त्याग दूंगा जी और एक तपस्वी की तरह रहूंगा, तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत करूंगा जी। और उसके बाद उन्होंने अपने जो भी आभूषण पहने हुए थे, राजा थे सब आभूषण पहनते थे जी जी, तो सारे आभूषण उतारे और ब्राह्मणों को दे दिए कि ये तो मैं अभी दान कर दिए, और वो बहुत बड़े एक उनके साथ सेवक और सब कुछ जैसे राजा के साथ होता है वैसा चल रहा था जी। तो उन्हें सारे सेवकों को बुलाया, जो भी धन था जो भी बाकी वस्तुएं थी सब सेवकों को कहा कि ये सब धन सब वस्तुएं सब लेके तुम सब सेवक वापस चले जाओ, अब हम तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं जी, अब हम राजसिक जीवन नहीं जिएंगे, अब हम राजा की तरह नहीं रहूंगा मैं जी, मैं तपस्या में लग रहा हूं तो मुझे ये सब नहीं चाहिए और मैं अब एक तपस्वी की तरह जीते हुए जी रहूंगा। सारे सेवक बहुत दुखी हुए, रोने लगे, पर खैर
माननी थी बात, तो सब लेके गए और हस्तिनापुर में पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो गया और हम लोग वापस आ गए हैं जी। और इधर महाराज पांडु जहाँ थे वहाँ से निकले, पहले एक नागशत नाम के पर्वत पे गए, फिर और आगे कई वनों को पार करते हुए एक शत श्रृंग नाम के पर्वत पर गए जी। और वहाँ पर एक आश्रम में तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। पूरी तरह वे भी तपस्वी बन गए और उनकी दोनों पत्नियां भी तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी जी। महाराज पांडु को तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए उनका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने जैसे वे महाराज थे, जीवन पहले राजकुमार थे फिर महाराज थे जी। और हमेशा राजसिक सुख भोगा था, लेकिन इसके बावजूद तपस्वी के रूप में बहुत अच्छी तरह व्यतीत करने लगे। जो ऋषि मुनि थे उनकी सेवा करते थे जी। अपनी तपस्या से वे भी एक ऋषि के समान हो गए थे कि बिल्कुल ऋषियों के समुदाय में उन्हें सम्मान मिलने लगा था। कई ऋषि उनको भाई के समान मानते थे कि वो तो वैसे ही भाई की तरह प्रेम देते थे जी। कुछ के वो मित्र बन गए थे कुछ ऋषियों के, और कई ऋषि जो वृद्ध थे जी, वे महाराज पांडु को अपना पुत्र के समान मान के उनके रक्षा उनका ध्यान करना ऐसे करते थे। तो बड़े एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऋषियों के साथ उनका जीवन व्यतीत हो रहा था जी। एक बार जो वरिष्ठ ऋषि थे सब उनसे बैठे हुए महाराज पांडु ने उनसे पूछा कि महर्षिगण, लोग कहते हैं कि संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार भी बंद है जी, कि हर व्यक्ति की संतान अवश्य होनी चाहिए। मैं संतानहीन हूं इसलिए दुखी रहता हूं। जैसा मैंने पढ़ा है शास्त्रों में चार तरह के ऋण बताए गए जी, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। ये चारों ऋणों को हम पहले थोड़ा जरा सा समझ लें जी। पितृ ऋण यानी मुझे अपने पिता से शरीर मिला, उन्होंने मेरी रक्षा की, उन्होंने मुझे भोजन दिया, उन्होंने मेरी शिक्षा का प्रबंध किया, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, सब कुछ दिया जी। तो मेरा ये दायित्व है कि मैं अगली पीढ़ी में किसी को ये सब दूं। अब यहाँ पर जब हम पितृ ऋण की बात कर रहे हैं तो ये समझना आवश्यक है कि केवल जो जैविक पद्धति से जिसे बायोलॉजिकल चाइल्ड कहते हैं जी, जिसे औरस संतान कहा गया है उसकी बात नहीं हो रही। किसी भी अपने से जो अपने पुत्र के समान है, जिसको हम स्नेह देते हैं, जिसको हम अपना पुत्र मानते हैं या पुत्री मानते हैं जी, तो वो संतान है। तो उससे हम अपना पितृ ऋण से ऋण होते हैं। देव ऋण, हमें देवों से बहुत कुछ मिलता है। देव अर्थात जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, नदी से जल मिलता है, वृक्षों से फल मिलते हैं, छाया मिलती है, तो मैं देवों का ऋण हूँ, ऋणी हूँ कि मुझे उनको उसे मैं लेता रहता हूँ, वो देता कुछ नहीं जी, तो मैं भी देव भाव से कुछ दूँ, ये देव ऋण। ऋषि ऋण, मैं ज्ञान का उपयोग करता हूँ जी, जो ऋषियों के द्वारा ज्ञान मिला है, तो मैं उस ऋषि व्यवस्था को और सुदृढ़ करूं, या तो ज्ञान आगे दूं या ऋषियों की कुछ सेवा करूं, किसी तरह से ऋषि ऋण से मुक्त हूं जी। मनुष्य ऋण, जिन मनुष्यों से मुझे बहुत कुछ मिला है मैं उससे आगे ऋण को उतारूं। इस प्रकार चार ऋणों की जी शास्त्र में विवेचना की गई है। महाराज पांडु ने कहा कि बाकी तो ऋणों का मैंने काफी कुछ किया है जी, लेकिन मैं अब तक पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सका हूं, आप बताएं कैसे होगा जी। सारे ऋषि गणों ने कहा कि हे धर्मात्मा नरेश, हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं कि
तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे भविष्य में जी तुम्हें पाप रहित, देवोपम, देव के समान शुभ संतान होने का योग है। ये ऐसी अच्छी संतान तुम्हारी होने वाली है जी। हे नरेश, आपको प्रयत्न करना चाहिए, आप प्रयत्न करिए, आपको निश्चय ही शुभ फल प्राप्त होगा, आपको निश्चय संतान मिलेगी। अब चिंता ना करें, प्रयत्न में लगे। ऋषियों ने बात तो बहुत अच्छी कही जी। ये क्या कि ऋषि जहां जा रहे थे प्रस्थान कर गए, और महाराज पांडु चिंतन में डूब गए कि कैसे होगा जी। अनिल जी, अभी आपने जैसे बताया कि उनको ऋषि गण ने उनको बताया कि वो उनको संतान प्राप्ति होने होगी आगे जा कर के, तो यहाँ पे बहुत विरोधाभास बात उभर करके आती है कि कहाँ तो वो मुनि ने उनको श्राप दिया था कि वो जीवित नहीं रहेंगे अगर उन्होंने प्रयास किया इस दिशा में, तो और दूसरी तरफ ये ऋषिगण ने एक उनको आशा जगाई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा करके। अब आगे क्या होता है और बीच का रास्ता कैसे निकलता है वो हम आगे की कड़ियों में आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।